राजधानी के वीआईपी क्लब में ऑल इंडिया टेनिस संघ और छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ ने गोंडवाना कप ऑल इंडिया टूर्नामेंट मेंस 2018 का आयोजन किया। शुक्रवार को फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ के पूर्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने महाराष्ट्र के जयेश पुंगलिया को 6-4, 7-6, 5 से हराया। इस रोमांचक मुकाबले में गोंडवाना कप सिद्धार्थ के कब्जे में आ गया। वहीं डबल्स में महाराष्ट्र के साहिल गवारे और तमिलनाडु के मोहित मयूर जयप्रकाश की जोड़ी ने बाजी मारी। इस बात की जानकारी आईटा सुपरवाइजर और रेफरी सुप्रीत कड़वीगिरे ने दी। विजेताओं को छत्तीसगढ़ टेनिस संघ अध्यक्ष विक्रम सिंह सिसोदिया ने ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव की बात है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने गोंडवाना कप जीता है और लास्ट ईयर भी ये चैंपियन रहे थे और अभी हाल में ही फिनिस्टा ओपन भी इन्होंने जीता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये भारतीय टीम में सिलेक्ट होंगे, डेविस कप में खेलेंगे और छत्तीसगढ़ के लिए को गौरवान्वित करेंगे। वही विजेता सिद्धार्थ ने इसे बेहद खुशी का पल बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट देश भर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है। खेल काफी रोमांचक रहा। इस टूर्नामेंट से राज्य के खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा लग रहा है मैम जीत के दूसरी बार, और डिफेंडिंग टूर्नामेंट जीतने में थोड़ा प्रेशर भी रहता है अपने ऊपर कि हारने का भी, लेकिन स्ट्रेट स्ट्रेट सारे मैचेस मैंने जीते। बहुत अच्छा है ये हमारे लिए। यहाँ पे जो मैचेस कराते हैं सर, हमारे सिसोदिया सर, गोंडवाना कप और भी काफ़ी मैचेस होते हैं, उससे छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर रुपेंद्र सिंह चौहान, लारेंस सेंटियागो और राकेश पांडे चेयरमैन VIP क्लब उपस्थित रहे। For more information, log on to www.clips.in.